आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक असमौली के गांव सेंद्री पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 50 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 7 किलोमीटर है। 3200 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान कुलदीप ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान कुलदीप और सचिव देवेंद्र सिंह के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया है। इन्होंने अपने इस कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक असमौली के सेंद्री ग्राम पंचायत में, जहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहां लॉकडाउन के चलते लोगों की मदद की गई है और क्या कोशिशें इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी, इस सब के बारे में हम बातचीत करेंगे प्रधान जी से। आइए चलते हैं प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कार्यकाल आपका पूरा समाप्ति की ओर है, लगभग खत्म है, तो इस बीते हुए कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में करवाए हैं? विकास कार्य सड़कें बनवाई हैं, नाली खंजे वगैरह सारे गांव में टोटल लगभग हो गया, और कहीं कोई गांव में ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें कोई गंदगी। पूरे 3 गांव पड़ते हैं इस ग्राम पंचायत में, 2 मजरे हैं तेलीपुरा और मिलक, कहीं पे भी नक्साई मैंने बना रखा है, ये आप देख रहे हैं। सारा काम इतना फिनिशिंग कराया, उसके बाद कुछ मैंने पर्सनली अपने काम कराए हैं अपने पास से। जैसे कि ग्राम पंचायत में निधि में नल नहीं आता है, फिर भी उसके बाद मैंने एक हमारे शमशान में लग उसमें नल अपने पास से लगाया था, एक अम्बेडकर पार्क के सैंद्री में मैंने अपने पास से नल लगवाया था, और एक शमशान है सैनिंग वाली सैंद्री में उसमें भी नल नहीं था। ये मैंने अपने पर्सनली पैसे से अपने काम कराया। ये आपने अपने स्तर पर यहाँ जो है सुविधा दी है जो? हाँ, अपने पर्सनल स्तर से, अपनी जितने निधि का कोई और नहीं, सरकारी पैसे का कोई नहीं। तो रास्ते सभी गाँव में, हालांकि हमने देखा है कि काफी दूर आपकी जो है पंचायत लगती है और जहाँ पर आपका निवास है 1 किलोमीटर का फासला है, तो रास्ते लगभग सभी पक्के हो गए हैं या अभी भी कच्चे रास्ते बाकी? थोड़े बहुत रास्ते रह गए हैं, उसमें कुछ हमने ब्लॉक प्रमुख साहब से करी 2-3 रास्ते प्रमुख साहब से कराए हमने, और अभी भी जिला पंचायत का काम चल रहा है, गांव में काम करा रहे हैं जिला पंचायत भी, लगभग रास्ते तो सभी हो चुके हैं हमारे गांव। आवास मिले हैं लोगों? आवास नहीं मिले, पहले जो 2 साल में मिले थे शुरू में 13-14 आवास मिले थे, वो लोगों के लिए मिल गए थे, उसके बाद कोई आवास। तो कितने परिवार अभी यहां ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत? आवासों की जरूरत तो अभी काफी है, लेकिन अगर पैसा आवंटन नहीं हो रहा तो मिल नहीं पा रहे, तो दिक्कत ही आ रही है। लगभग कम से कम 50 परिवार समथिंग ऐसे हैं जिन्हें आवास की तो हर हाल में आवश्यकता है। तीनों ही गांव में मिला गया है? हां, 50 परिवार। केंद्र सरकार की जो योजनाएं लागू होती है जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो वो कितने परसेंट लोगों का जो है उन सभी योजनाओं का लाभ पूरा मिल पा रहा है? वो लाभ सभी मिल रहा है, किसान पेंशन का भी सभी का, किसी का किसी कारणवश कोई दिक्कत आ रही हो पेपर में, किसी वजह से तो छूट रहा हो ना, बाकी सभी को मिल रहा होगी, और कनेक्शन भी लगभग सभी को हो गए हैं। जी, साफ सफाई व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई सही है, 2 सफाई कर्मी हमारे गांव में सही काम कर रहे हैं। कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम करवाए? स्कूलों में हमने शौचालय बनवाए हैं, और उनमें टंकी फिटिंग का काम कराया, लाइट फिटिंग का काम कराया, 3 स्कूल हैं, तीनों की बाउंड्री वॉल कराई, तीनों का देखा गया, आदमी दस गया और इधर निकल गया, ये रास्ता ये हाल थे स्कूलों के, लेकिन हमारे टाइम में ही स्कूलों की व्यवस्था सुनी काफ़ी सौंदर्यकरण जो है करवाया गया, जो सामुदायिक शौचालय बनना वो हमने बनवाया है, सैंडी बाजार में सारे नहीं लगे हुआ। जी जी, अभी जैसे कि अनलॉक लॉकडाउन रहा था पीछे 17 दिन का पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन रहा था, तो काफ़ी परिवारों के आगे कई तरह की समस्याएं खड़ी हुई थी, तो आपके गांव में ऐसे जो परिवार रहे हैं उनके लिए आपकी क्या भूमिका रही है? भूमिका मैंने अपना पर्सनल लीजिए, जबकि सरकार से कोई इसका हमारी मदद नहीं मिली इससे रहेगी सरकार से, लेकिन फिर भी मैंने पर्सनल अपने पास से उनको गया हूँ, चावल आटा जैसे जिसको जिस लाइफ मदद की जरूरत थी वो मैंने पूरी करी थी, पूरी तरह से आपने उनकी मदद किया। अब अपने गाँव को और ज़्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख काम सरकार से करना चाहिए? सरकार यही है, अब जो बजट हमारा थोड़ा इसमें लॉकडाउन रुका हुआ, अगर वो मिल जाता तो थोड़ा और बेहतर काम हो जाता, अगर वो मिल जाए तो अभी जो कार्यकाल हमारा बढ़ाने की उम्मीद है, इसमें जो थोड़ा बजट रुका हुआ मिल जाए तो पूरा काम गाँव में ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी बिल्डिंग में जैसे स्कूल के अलावा 12 घर पंचायत घर ये बने हुए हैं, वहाँ शौचालय भी है ही, और हमारा क्या आंगनबाड़ी केंद्र है ही, वहाँ पर भी टाइल्स वाइल्स लगा रही है, शौचालय बनाए हैं, और अस्पताल है वहाँ पर हमारे मुख्य भराव काम कराया, हमने बिल्कुल बिल्कुल मदद काम कराया। जो अस्पताल यहाँ गांव में बना हुआ है उस डॉक्टर नहीं बैठते, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, मतलब किसी भी तरह का लाभ वहाँ से जो है लोगों को मिल नहीं पा रहा है, इसके लिए कभी आपने शिकायत की है या कोई कोशिश की? इस बारे में कहा, बोले ये तो बहुत गांव खाली चल रहा है, आप ही गाँव को इस बात पर ध्यान दिया जाता है, मतलब कोई भी कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती किसी कारण से। जी, तो किस तरह की समस्या आपको लगता है गांव में कि प्राथमिकता जिसको देंगे, जैसे कि अगर सरकार की तरफ से मदद मिले या धनराशि पूरी तरह से मुहैया हो
तो किस तरह की समस्या को आप सबसे पहले जो है गांव से दूर करना चाहेंगे, गांव को पूरी तरह से डेवलप बनाना? गांव सब डेवलप हो गए, मेन समस्या तो रास्तों की रहती है, रास्ते हमारे समथिंग हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा वैसा बन जाए तो काम कम्प्लीट हो जाएगा, बाकी तो सारी सिस्टम सही है हमारे यहाँ। अब जैसे कि अनलॉक हो चुका है और कोरोना महामारी फिर भी दिन पर दिन बढ़ रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, इसको लेकर के अपने गाँव वासियों को कुछ जागरूकता दे रहे हैं? काफी लोगों ने ध्यान भी दिया, लेकिन लोगों ने इसका पालन भी कराया, वैसे ऐसा नहीं है पालन किया, लोगों ने पालन किया। आगे आने वाले समय में, हालांकि आप एक युवा प्रधान है यहाँ मौजूदा इस वक्त में भी, आने वाले समय में भी आपकी क्या विचारधारा है, किस तरह यहाँ जो है विकास को लेकर के आपकी कोशिशें रहेंगी? विचारधारा ये है कि कोई भी किसी लेवल से आए, नीचे के लेवल से, ग्राम पंचायत से आए, जिला पंचायत से आए, कोई भी आए प्रत्याशी किसी भी, उसमें मेरी सोच ये है कि केवल युवा को चुने और पढ़े लिखे को चुने, ये नहीं है कि आदमी की मोहर कोई लगा रहा है, साइन कर रहा है, उसे यही नहीं पता कि कौन लगा रहा है, सचिव उन्होंने प्रधान साहब धान के करीब मिलते सचिव प्रधानों को आज तक पता चला ऐसे में, युवा को चुने, युवा के दिमाग में विकास की बात ज़्यादा होगी, वो विकास की बात ज़्यादा करेंगे, राजनीति गाँव में कम करेंगे, उस तरह की इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। तो मेरा कहना यही है, आने वाले टाइम में जो भी कोई किसी को अभी पकड़ चुनती है तो वो युवा को चुने किसी भी। जैसा कि आपने देखा यहाँ ग्राम प्रधान से हमने बातचीत की है, काफी विकास इस बीते कार्यकाल में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं और रास्ते लगभग गांव के 90% यहाँ पूरे पक्के हो चुके हैं, जो रास्ते भी बाकी बचे हैं समय रहते कोशिश है कि उन्हें भी पूरा पक्का कर दिया जाएगा, और सरकार की तरफ से यदि रुका हुआ बजट जो कि ग्राम प्रधान के खाते में अब तक नहीं पहुंचा है, उनका मानना है कि जो रुका हुआ बजट है वो ही अगर पूरी तरह से मिल जाए समय पर तो जो बचे हुए विकास कार्य हैं वो भी पूरी करने की पूरी पूरी उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही यहाँ लगभग 50 से 60 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, जिसके लिए यहाँ ग्राम प्रधान ने प्रमुख रूप से मांग रखी है, और साथ ही अगर समस्याएं देखी जाएं तो एक बड़ी सामान्य सी समस्या यहाँ पर भी सामने आई है, अस्पताल को लेकर, सामुदायिक केंद्र को लेकर, जो कि केवल नाम मात्र यहाँ पर बना हुआ है, किसी भी तरह का कोई लाभ यहाँ की जनता को उससे नहीं मिल पाता है, हालांकि इसकी शिकायत करने पर, कोशिश करने पर आश्वासन तक नहीं मिल पाया है, जवाब कुछ अलग ही मिलता है। अशरफ अली के साथ मनाजिन जी। मैडम, क्या नाम आपका? कोमल वैश। आप यहाँ किस विद्यालय में, किस पद पर कार्यरत हो? मैं प्राथमिक विद्यालय सैंदरी में इंचार्ज अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ क्या क्या विकास कराया गया? यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा सभी शौचालयों का निर्माण करवाया गया है, विद्यालय में लॉकिंग टाइल्स लगवाए गए हैं और बाउंड्री वॉल की व्यवस्था करवाई गई है, बाकी जितने भी मरम्मत का कार्य होता है वो भी प्रधान द्वारा करवा दिया जाता है, जो भी स्कूल को ज़रूरत होती है, और बाकी MDM भी बहुत अच्छी तरीके से बनवाया जाता है। आप इनके कार्य सहमत हो? हाँ, हम इनके कार्य सहमत। धन्यवाद।